ठीक है एक दिन परचा हो गया है, पर जिहड़ी आ नवीं बनी आ इहदे ते परचा जिहड़ा क्यों नहीं हुंदा, क्योंकि इहदे विच सरकार दा हाथ है, सरकार दे नुमाइंदे दा हाथ है। असीं इहो बेनती करन वास्ते तुहाडे रहे आए हां कि उहनां बंदिआं नूं वी इस कानून दे दायरे विच लिआंदा जाए। अज जी श्रोमणी अकाली दल दे समुची सीनियर लीडरशिप, जिला प्रधान वीर सिंह लोपोके साहब, गुलजार सिंह जी रनीके साहब, ते सारे MLA XMLA साहिबान, जिहड़ा पंजाब दे अन्नदाता दे नाल, पंजाब दे किसानां नाल, मेहनत कश किसानां दे नाल जिस तरीके दे नाल धोखाधड़ी हो रही है, नकली बीज झोने दे उहनां नूं बेचे जा रहे हैं, जिहदे नाल किसानी नूं बहुत वड्डी ढा लगूगी। किसान जिहड़ा अगे जिन्हां ते कोई 90,000 करोड़ दे करजे हेठ ने, जद उहनां नूं नकली बीज बेचिया जाऊगा वह होर फाइनैंशियल स्ट्रैस च, फाइनैंशियल डिस्ट्रैस च जाणगे। जद नकली बीज दे नाल जद फसल तैयार होगी तो एजेंसियां वह फसल खरीदणगियां नहीं या फसल ठीक नहीं निकलूगी, उहदे नाल भी किसानी नूं बहुत वड्डी मार पऊगी। इसलिए सारे मुद्दे नूं लै के कि किस तरीके नाल पंजाब च करोड़ों रुपए दे क्विंटलों दे क्विंटल, लखां हजारां क्विंटल बी जिहड़ा नकली है ही नहीं, वह बी पंजाब दे किसानां नूं धोखेधड़ी नाल बेचिया गया। इसलिए अज सारे DC साहिबानां नूं श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल वालों ते कोर कमेटी का जिहड़ा फैसला सी कि किसानी नूं जे बचाउणा ते इमीजिएट इहदे च इंटरवेंशन की लोड़ है, और हर जिले च जिथे जिथे बीज की सप्लाई हुई है वो किसानां तक पहुँच करके उन्हां किसानां नूं दबार तो जिहड़ा उन्हां दा फाइनैंशियल लॉस होया उन्हां नूं नवां बीज सरकार दे, नाल ही जिहड़ी उन्हां दा फाइनैंशियल लॉस होया उहदी भरपाई करे। इसलिए जिलेवार किसानां नूं आइडेंटिफाई करके उन्हां दे नाल जिथे उन्हां दी मदद ते पहुँचना, नाल ही ये जिहड़ी बड़ी एक वड्डी फर्म है काला बाजारी जिहड़ी कर रही सी करनाल सीट दे नाम ते हैगी वैरोके पिंड खोदेपेट जिला गुरदासपुर च, ते नौ करनाल सीट दे नाम ते एक काला बाजारी चोर बाजारी जिहड़ी चल रही सी, और यह भी दस्या जा रहा कि यह जिहड़ी करनाल सीड फैक्टरी है इहदे बेनामी मालक कोई होर नहीं, उस हलके दे कांग्रेस दे मिनिस्टर सुखी रंधावा ने इसे लई करनाल सीड फैक्टरी जिहड़ी बेनामी फैक्टरी मन्नी जाती है सुखी रंधावे ने धड़ाधड़ उन्होंने ये जाली बी बेचण का काम किया, उन्होंने इमीजिएटली अरैसट किया जाए, क्योंकि जब तक अरैसट नहीं होगी तब तक ये गल सामने नहीं लिया सकांगे कि किन्ना क्विंटल बी बेचिया तो किनू किनू बेचिया, क्योंकि इन्हों हूँ 20 दिन मिल गए आपदे सारा स्टॉक साफ करन नू, बिल बदलन नू, क्योंकि हर जिने नंबर 2 का काम करना है चोर बाजारी करनी है उहदे कोल कापी बिल्ला एक नहीं कई कई होंदिया ने, और वह झूठिया कापी बिल्ला विखाउणा भी शुरू करता है, और इस तरह सच्चाई सामने नहीं आनी। इसलिए किसानी नू जे खुदकुशी दे राह तो सरकार चाहती है बचाउणा चाहती है, इमीजिएटली अरैसट करके इन्हां ते कार्रवाई की जाए, और किसानां नू जो धोखाधड़ी हुई है उन्हां किसानां दी मदद कर ते सरकार आ पावे। तुसी कोई सवाल है जी? मेरा कहना मैं अकाली दल के नाल संबंध है, मेरा कांग्रेस के नाल कोई भी संबंध नहीं है, नाल ही
यार सवाल एक कर लेना तो अठ करते कट्ठे। देखो सब तो पहली गल तो जेड़ा सुखी रंधावा लुकिया फिरदा सी और थोनू तुसी भी पिंड धारोवाली गए सी, मैं लगता थोनू भी नहीं मिलिया। कोई कहिंदा मंजे थले लुकिया, कोई किथे लुकिया, शुक्र है निकलिया तो बाहर। तीन दिन लग गए सैटरडे नू, ये घोटाला जग जाहर होया और चार दिन बाद उहदे दर्शन होए कल चंडीगढ़। और तुसी इस तो ही अंदाजा ला लो कि किस तरह लखी जेड़ा ये सीड फैक्ट्री है मुनीम का काम करता सी सुखी रंधावा। 12:30 बजे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लखवी कबूतर करता है डेरे बाबा नानक, ते जेड़ा सुखी रंधावा सैक्रटेरिएट च प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ते दोवां ने जेड़ियां फोटोआं विखाइयां या जेड़े लसेंस दियां कापियां विखाइयां या जेड़ी बिल बुक, तुसीं वेखो बिल बुक लखी कबूतर दे फैक्ट्री दी सुखी रंधावे कोल कित्थों आ गई। तो एक तो स्पष्ट होंदा कि जेड़ी गल मैं कहना कि इहदी बेनामी है फैक्ट्री है, इह तां उहदे मुनीम दा काम करन लग गया सैक्रटेरिएट च। उहदे आ बिल जे विखाउंदा सी, आ मैं पिछे विखा दिंदा आ बिल दा कापी कढ के दी, आ बिल विखाउंदा सी बिल लखी दा ते विखावे वजीर, इत्थों वड्डी मिली भुगत की चाहीदी है। फिर दूजी गल देखो, इह तां एवें ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਆ ਸੁਖੀ ਚੋਰ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲੇ ਜਾਊ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸੁਖੀ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, मगर किसानी नूं कौन बचाऊ। हुण अगली गल आ जाओ, जिहड़ी उहने गल कही थोड़े आ लखी ने आप ही मन गया आपके इंटरव्यू च कि असी तां 12 नूं पहला तां आपके बजुर्गों की फोटो विखावे साडे अकाली दल दे कोई लीडर ना, बजुर्गों की तां डैथ हो गई 12 नूं, सन 12 च उहनां दा तां मसला ही कोई नहीं। गल तां 2020 दी और जेड़ा 2020 वो आप ही मन गया लखी कि मैं कांग्रेस की मदद करदा। और रंधावा साहब जिन्ने प्यार नाल रंधावे की गल करदा सी, इत्थे कोई लुकी छिपी नहीं कि शनिवार नूं असी ये सारा स्कैम जेड़ा किसानी नाल धोखे का जागर किया। संडे मंडे सोमवार एतवार सोमवार मंगलवार सारे अफसर बुलाए गए धारोवाली पिंड च, लखी नाल 100 वारियां सलामां होईयां कि तू केड़ी फोटो विखाउणी है, की करना की नहीं करना। ओही बोली जो रंधावा बोलिया, ओही लखी बोलिया, ते जे लखी बोलिया ओह रंधावा बोलिया, ते फिर इहनां च फर्क की रह गया। इह तां इक दूजे दा मैं लगदा स्पोक्समैन भी बन गया, मुनीम दा भी कम कर गया। इसलिए लखी नूं की चाहीदा, जे पंजाब दा वजीर उहदी ठगी दी एडवोकेसी करन लग जाए, वकील बन जाए जां मुनीम बन जाए, तो फिर उहदी ठगी नूं तां सरकारी मोहर लग गई, वह तुहाडे सामने है। दूजी गल उहने आ कापी विखाई, आ वेखो कहिंदा जी मेरा लसेंस 17/9/2015 दा, आ मैं तुहानूं फोटो विखा दिंदा जिहड़ा कहिंदा ना इस तरह। आ फोटो ते कहिड़ी तरीक लिखी है, September 8, 2015 लसेंस तो पहला दी फोटो मैं तुहानूं विखाती। आ सुखी रंधावे की फोटो वेखो किड्डा खुश जापण डिया, इहदे नाल लगदा कोई एडी खुशी। तो सुभाविक है जिहदे नाल कारोबार सांझा होवे उहदे नाल ही खुशी हो सकदी है, इस तरह तां नहीं तां तूं कदे हसदे ही नहीं वेख्या, नहीं तां बुड़बुड़ जी करदा रहिंदा सारा दिन। आ दूजी फोटो मैं खोल्ह दिंदा, आ सच आ कदों दी फोटो है, आ 13 अगस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस च नाल बैठिया। चलो छोड़ो मैं तुहानूं अगली बार जिहड़ी वधिया फोटो विखाउणा, आ देखो आ फोटो तुहानूं, आ सुखी दे चेहरे वाले फोटो पायो माड़ी जी, हसदा कि नहीं, हसदा जापदा कि नहीं। ते आ अच्छा गड्डी केड़ी है, MLA दी गड्डी, सरकारी गड्डी। ये फोटो 2012 दी है, सरकारी गड्डी, पंजाब सरकार दी सरकारी गड्डी लखी कबूतर चलाउण डिया। ते फिर इहदी नेड़ता जिहड़ी चला नहीं सकदा इह, आ उत्ते उस वेले ओह
पीली जी बत्तियां लगदियां होंदियां सन, याद होगा थोनू, मुड़ के तक हुण जाके 17 च कैंसल करता है, वह फोटो है आ अंदर बैठा देख रहे उन्हूं ते किड्डा खुश है, तो फिर कहना मेरी सांस कोई नहीं। इसलिए मेरे वीरो दुख की गल है कि अज आप कवर अप नूं ये लुकाउणा चाहुंदे। और मैं फिर दस दिया, देखो लसेंस देना सरकार नहीं है लसेंस दिंदी, यह भी भंबल भूसा पाउण की कोशिश की गई। जे तुसीं सीड स्टोर का लसेंस लैना है तो तुहानू चीफ एग्रीकल्चर अफसर दे दू, तो जे तुसीं सीड प्रोड्यूसर का लसेंस लैना है तो सरकार नहीं डिप्टी डायरैक्टर के लैवल से मिल जाता। इसलिए गल्लां दी फजूल दी भंबल भूसा पाउणा, मैं बार बार कह दिया मसला किसानी की लुट का, मसला किसानां नाल जिहड़ी चोर बजारी हुई है, और मसला किसानी नूं जिहड़े ओह अगे दंदल च फसते जा रहे करजे दे उस दंदल तों बचाउणा, नहीं तां किसान नूं खुदकुशी च तोरन लई कोई होर जिम्मेवार नहीं होगा, सुखी रंधावा ते उहदी चोर जुंडली जिम्मेवार होगी। इसलिए मैं कार्रवाई की मंग करदा। नहीं और मैं देखो असी बार बार कहा इंडिपेंडेंट इनकुआरी, आ एफ आई आर है जेडे मेरा नाम लाते ना, मैं नहीं एफ आई आर कराई जी, एक किसान की शिकायत एग्रीकल्चर महकमे ने एफ आई आर कराई है। मैं उदो रौला पाया जो इस एफ आई आर से कार्रवाई होने की जगह, जो मुजलमान फड़न की जगह एक समझ आने लगी कि एक पंजाब का वड्डा वजीर इस कार्रवाई नूं रोकण दी कोशिश कर रहा, उदों जरूर असी सामने आके किसानां दे हक च खलोते हैं। और जब तक किसानां नूं इंसाफ नहीं मिलू, यह चोर बाजारी जिहड़ा चोर जिहड़ा भी है ही नहीं, ये बिकना बंद नहीं हो, और इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जिन्हां ने किसानां नूं लुटिया, असी चुप करके नहीं बैठांगे। और इंडिपेंडेंट इनकुआरी देखो विजिलेंस ने तो की तुसी आस करते हो कि पंजाब की विजिलेंस किदे थले है, पंजाब सरकार दे की ओ पंजाब सरकार दे किसे वजीर दे खिलाफ एक्ट करूँ, क्योंकि कल भी ये वजीर की कह रहा सी मैनू डीजीपी ने फोन नहीं किया, मैनू एफसीडी ने फोन नहीं किया, तू तो चोर बजारी करने वाला, तो जे तेनू फोन लाने लग गए फिर इनकुआरी कैसी होगी। इसलिए सानू कोई भरोसा नहीं ये विजिलेंस की इनकुआरी, अजी विजिलेंस की इनकुआरी रिजैक्ट करते हैं। देखो सरकार आप दी इनक्वायरी करे, मेरे कोल जो खबर है 22 दे 22 जिलों च हर सीड स्टोर च ये जेड़ा बी है ही नहीं, विच पता नहीं घटा मिट्टी है की है, जेड़ा बी पी आर 128 129 सी नहीं, वह बी धोखे नाल चोर बाजारी नाल काला बाजारी नाल सारे जिलों च लगभग सारे सीड स्टोर च बेचा। मेरे को कई किसान आप आए भी, और बड़ी जल्दी जे सरकार आपकी काम नहीं करूगी असी उन्हां लोगों नूं थोड़े सामने भी लियावांगे, कई प्रूफ होर असी इकट्ठे किए हैं जिहड़ा सामने लियावांगे, और साबित करांगे कि सरकार इन्हां चोरों की मदद से हुई है। एक बंदा मैं अगे गल कहती जी, पहला किसान नूं आइडेंटिफाई करो जिलेवार, उन्हां तो जिथे जो उन्हां दा खर्च आया उसकी भरपाई होवे, उन्हां नूं नवा बीज दिता जाए सो दैट कल उन्हां नूं फाइनैंशियल तंगी की जां खुदकुशी के आसार उन्हां दे परिवार के ना बनन, फाइनैंशियल असिस्टेंस वड्डे पद्धर ते दित्ती जाए, नाल ही उन्हां तो कंप्लेंट लैके जिहड़े लोग किसानां दी जिंदगी नाल खेड रहे आ, अन्नदाता दी जिंदगी नाल खेड रहे आ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾੜੀ ਆ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਂਭਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਹੇਦਾ ਅਫਗਾਨੀ ਜੀ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੋਰੀ,
उन्हां दे परिवार नाल जो ऑडियो थोड़े सामने आई उन्हां दी जो दुर्दशा हुई अज वो इस संसार च नहीं रहे या इन्हां दा अपना ACP कोहली उहदे परिवार दे नाल जो हुई जो ACP नाल हुई वह ना रहा। और वड्डी गल वेखो आ मैं तरन तारण का फिगर विखाउना 153 केस कोरोना दे आ ध्यान नाल पढ़ो आ लो 153 केस ते इन्होंने सही किन्ने करते 154 ते की करोंगे जी सरकार दा समझ गए गल कि केस घट सी मगर इन्होंने तंदुरुस्त वध करते ते जे सरकार यह जे कम ते होई आ कदे सद लैंदी आ फुल्लां दे बरखा करा दिंदी आ मुड़ के उन्हां दा की करदी आ। इसलिए अज दा इह मुद्दा नहीं वड्डी नेगलीजेंसी। और मैं अगली गल कर दिया कि आ जिहड़ा परचा भी दर्ज होया यह परचा बड़ा हाफ हार्टड हो दलेरी वेखो बंदे की 420 किसी ते लगी हो लखी कबूतर बगैर सुखी रंधावे की शह ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता सी। ओ महाराज जी आ परचा पढ़ लो उही तां मैं गल कर रहा कि जो जीतो सीड की तो फड़े गए बराड सीड तो बराड सीड की कहिंदा मेरे तो मालकी दे कोलो है करनाल सीड कोलो और उस ते फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। और मैं अगली गल कर दिया कि परचा भी कमजोर दिता जिहड़ी 409 धारावां जिहड़ी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है बाय किसी एजेंट क्योंकि यह सरकार का लसेंस है ते सरकार तो लसेंस लैके कोई धोखाधड़ी करे उत्ते 409 IPC लगनी बनती है। जिहड़ी दूजी फॉर्जरी की धारा वह कोई धारा नहीं लाई नरम परचा दिता और उस तो बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मौज नाल कर रहा किसी के 57 लग जाए तो विरोधी हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विखावे मैं मन जूंगा। इसलिए यह किड्डी मिली भुगत है मंत्री नाल इन्हां गल्लां तो ही साबित होगी जिस दलेरी नाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया प्रेस वाले भी उत्थे भेजे तो कोई होर नहीं सुखी दे बंदे प्रेस वाले उहदे कोल लैके गए इत्थों तक मिली भुग सामने आई। साडी जी पहला तो मैं सारी जथेबंदियां इस काम से भी आ गई ने मैं राजेवाल साहब लखोवाल साहब होर किसान जथेबंदियां का भी वेख्या इसलिए लड़ाई कितने श्रोमणी अकाली दल की नहीं ये हर किसान की है जो 20-22 लाख किसान पंजाब का वो हरेक की लड़ाई है हर किसान जथेबंदी की है अन्नदाता नाल संबंधित हर परिवार की है लड़ाई है। जब तक ये किसान के परिवारों नूं इंसाफ नहीं मिलता कोई पिछे नहीं हटना। देखो मैं कल ये जिहड़ा सुखी रंधावा एक कल तो चीफ मिनिस्टर ही गाला कटी जान रहा जो मैं एक इंटरव्यू वेख्या हूँ ये जाने तो चीफ मिनिस्टर जाने तदे असी विजिलेंस की इनकुआयरी रिजैक्ट करते असी क्या इंडिपेंडेंट इनकुआयरी जा सेंट्रल एजेंसी तो जा हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज साहब करें नहीं तो यह तो सब कवर अप ऑपरेशन चालू हो जूगा। जिहड़ा 20 दिन तक हले तक एक बंदा नहीं अरैसट होया तो उतो तुसीं की आस रखते एडा वड्डा करोड़ों का स्कैंडल हो चोर बाजारी बीआ के कपड़े की हुई होसाना लुटिया गया हो 20 दिन एक अरैसट नहीं एक तो स्पष्ट है जिन्हें परचा हो तो ठोक के प्रेस कॉन्फ्रेंसा कर रहे एक तो वड रली मिली भुगत कि हो सकती है। और उन्होंने मुख बुलारा उन्होंने मुनीम का कम लक्की खाद स्टोर का अपना लक्की बसीट स्टोर का तो कम ये कर रहे मिनिस्टर आप तो फिर कितों इंसाफ मिलना। देखो मैं फिर वही गल कर दिया साडी किसे नाल परसनल लड़ाई नहीं साडी किसानां नूं बचाउण दी गल किसानां नाल जिहड़ी धोखाधड़ी हो किसान अगे खुदकुशी कर रहा 90,000 करोड़ का कर्जा जे उन्हूं बीज तुसीं बेचोगे जिहड़े बीज मानता प्राप्ति नहीं तो फिर किसान अगे होर फाइनैंशियल लॉस च जाऊगा तो खुदकुशी की राह से उन्हूं तोरन वाला होर कोई नहीं होगा सरकार होगी। और इस FIR च स्पष्ट लिखिया कि यह बीज कोई भी प्राइवेट प्रोड्यूसर ना प्रोड्यूस कर सकता ना बेच सकता। FIR तो लिखण तो बाद भी जे प्रोड्यूसर प्रेस कॉन्फ्रेंसा करे तो स्पष्ट है कि किड्डी वड्डी लेवल दी चोर बाजारी मिली भुगत चल रही है।
रूह अफजा पी लियो मेडिकल लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट गल है सुन लियो जो मिलिट्री